शेख शैजिल इमाम कहते हैं हम मुस्लिम कंट्री उसकी बाप दादा की नहीं है, हिंदू कंट्री है और हिंदू ही बसेंगे यहाँ। तुम्हारे लिए अलग पाकिस्तान है, इसराइल है, वहीं जाके बच जाओ। नमस्कार, मैं सौरभ सिंह और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आज मैं मौजूद हूँ कैनॉट प्लेस पर और दिल्ली की जो राजधानी है उसके दिल के बीच में। दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली का माहौल बहुत ही गर्म है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी लोग जो है सीए के सपोर्ट में आज खड़े हुए हैं। कल शाहीन बाग में गोली चली, आज हम उनसे बात करेंगे कि शाहीन बाग में जो गोलियां चली है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, उसमें हिंदुओं का नाम खिसका जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना होगा? देखिए कहीं ना कहीं हिंदू और भगवा का जो ये किया है इन्होंने, जो वो गलत किया, बिल्कुल गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जो केजरीवाल ने जो कार्ड खेल रहा है वो गलत है। और वहाँ पे शाहीन बाग में बैठे हुए हैं जो नारे लगा रहे हैं और टुकड़े हो, भारत के टुकड़े हो, और एक शैजिल इमाम कहते हैं हम मुस्लिम कंट्री उसकी बाप दादा की नहीं है, हिंदू कंट्री है और हिंदू ही बसेंगे यहाँ। तुम्हारे लिए अलग पाकिस्तान है, इसराइल है, वहीं जाके बच जाओ, ठीक है? लेकिन शाहीन बाग तो पकड़ा जा चुका है, हाँ। उसके बाद कल शाहीन बाग में गोली चल जाती है, ये कहाँ तक जाया जाए, क्या गोली चलाना जाया जाए क्या उस पर? देखिए जो भी दोषी है, गोली का दोषी है, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, उसको अरेस्ट किया गया, कानूनी कार्रवाई होगी। और आप तो इसमें तो नागरिकता दिया गया है सीए पे, आपको दिक्कत क्या है? आपको दिक्कत क्या है? धर्म देखकर क्या गैस सिलेंडर और मकान दिया गया, शौचालय दिया गया, मुसलमानों को भी तो मिला है। लेकिन कल योगी आके कहते हैं कि अगर किसी की हिम्मत है तो आके यूपी में गोली मार के दिखाए। कल आज की सुबह हिंदू महासभा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको गोली मार दी जाती है हजरतगंज में। देखिए कौन करा रहा है पता है सब, वहाँ पे बुआ बबुआ साथ में कौन मिल गए हैं, करा रहे हैं वहाँ पे, भ्रम फैला रहे हैं, कौन गोली मरवा रहा है सब पता है सरकार को। सरकार पूरी टीम बना के घेरने में लगा है, सब कुछ पकड़ा जाएगा, कौन किया है नहीं किया है। बात करेंगे दिल्ली के चुनाव पे, दिल्ली के चुनाव पे आपका क्या रवैया रहेगा, क्या यहाँ से केजरीवाल जीत रहे? आज कांग्रेस का घोषणा पत्र आ गया है, ठीक है? कांग्रेस का घोषणा पत्र आ गया है, अच्छी बात है। देखिए केजरीवाल ने जो किया है वो ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा, सगा गुरु अपना नहीं हुआ वो दिल्ली वासियों के कहां हो जाएंगे। गुरु को तो अलग कर दिया उसने, अन्ना हजारे को रामलीला मैदान से सारे रुपया लूट के खा गए केजरीवाल ने। अब पाकिस्तान से फोन आ रहा है, ट्वीट आ रहा है, वो पाकिस्तान के मंत्री उसके केजरीवाल के लिए वोट मांग रहे हैं और कन्हैया कुमार के सपोर्टर बन गए हैं केजरीवाल और शाहीन बाग के सपोर्टर बन गए केजरीवाल। देश की दिल्ली की जनता जान चुकी है, केजरीवाल को छुट्टी कराओ और मोदी सरकार दिल्ली में बुलाओ।